और दोस्तों, तो अभी हमको बैक स्टेज से खबर आ रही है कि ट्रिपल एच और द रॉक, इन दोनों के बीच में फाइट हो गई है और बहुत दोनों लड़ रहे हैं बैक स्टेज। देखिए किस तरीके से लड़ रहे हैं, और ये रेसलमेनिया के टाइम में तो कुछ भी हो सकता है दिस दोस्तों। माइट बी वेरी लास्ट मैच। तो रिपर एस यानी कि ट्रिपल एच ने पहले ही कह दिया है कि ये उनका लास्ट मैच हो सकता है। डब्ल्यू डब्ल्यू पछाड़ पछाड़ रहे रहे हैं अगेन चढ़े, और ये अगेन बिग शो, अगेन रैंडी सिंह ऑर्टन, है अगेन वाओ, रैंडी ऑर्टन का मूव उन्हीं के ऊपर चल दिया बिग शो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, विश्वास है फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियन, और वो आज अपना टाइटल डिफेंड करेगा। उसके हाथ में है माइक्रोफोन और चेहरे पे काफी गुस्सा है, खुश नहीं लग रहा है विश्वास। गाइस एंड अगेन अगेन यहाँ पे F5, ओ माय गॉड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट विश्वास शर्मा, और आप देख रहे हैं द 38 डूड। और दोस्तों, ये है एपिसोड 8 सर्वाइवर एरा का, और इसका नाम है रेसलमेनिया। और दोस्तों, ये है रेसलमेनिया का एपिसोड, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा। और ये एपिसोड जो सर्वाइवर एरा का एपिसोड 6 था, जिसमें रॉयल रंबल किया गया था, उस एपिसोड से प्रायर, मतलब उस एपिसोड के बाद लिया गया है ये एपिसोड। और जो एपिसोड 7 है, उसकी जो स्टोरी है, जो जो भी वो है, वो काउंट नहीं किए जाएंगे। एपिसोड 6 जो कि रॉयल रंबल है, वहाँ से एपिसोड 8 जो है रेसलमेनिया का, वो लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने एपिसोड 6 नहीं देखा, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार हुआ था रॉयल रंबल, और इसमें काफ़ी सरप्राइजेस थे, काफ़ी स्पॉयलर्स भी हैं जो मैं अभी यहाँ पर नहीं खोलना चाहता। और अगर आपने एपिसोड 6 नहीं देखा, तो आप आई बटन में टैप करके देख सकते हैं। और अगर आपने एपिसोड 6 देख लिया, तो एपिसोड 8 रेसलमेनिया का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एपिसोड 8 बना रहे हैं आज रेसलमेनिया का। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जैसे कि काफ़ी जो एटीट्यूड है, जैसे पुराने रेसलर्स वापस आए थे। ये एक स्पॉइलर मैं खोल देता हूँ, क्योंकि ये मतलब अगर आप रेसलमेनिया देख रहे हैं तो इवेंचुअली आपको पता होगा ही ये सब। तो काफ़ी जो उनका नाम नहीं लूँगा मैं, अगर आपने नहीं लिया देखा होगा एपिसोड 6, तो काफ़ी नए रेसलर एटीट्यूड एरा से सर्वाइवर एरा में आए थे, और रेसलमेनिया में उनकी फाइट आज हो सकती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 रॉयल रंबल के बाद। ये है एपिसोड 8 रेसलमेनिया का। वेलकम टू द रेसलमेनिया गाइस। तो दोस्तों, आज की सेगमेंट का पहला मैच स्टार्ट होने वाला है, आज की शाम का पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। और चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो है कौन सा मैच जो कि आज स्टार्ट होगा एपिसोड 8 रेसलमेनिया में, कौन सा मैच है जो स्टार्ट होने वाला है। पहला मैच जो है वो है ट्रिपल एच वर्सेस रायबैक के बीच में। तो दोस्तों, ये दोनों रेसलर जो है वो फेडरेशन ऑनलाइन में नहीं है, और ये एक इस तरीके का मैच है जो कि रेसलमेनिया की शाम का पहला मैच होने वाला है। और ये एक इस तरीके का मैच है जिसमें जो भी रेसलर जीतेगा उसको चांस मिलेगा फेडरेशन ऑनलाइन ज्वाइन करने का। तो दोस्तों, जो भी रेसलर हारेगा वो अपने करंट रोस्टर में ही रहेगा, लेकिन जो भी रेसलर जीतेगा वो जाएगा फेडरेशन ऑनलाइन में, और उसके साथ आगे लड़ाई हो सकती है विश्वास, वेदांत, मिस्टर 3 है, आपको पता ही है कितने ऑसम रेसलर्स है फेडरेशन ऑनलाइन में। तो देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन जीता है और कौन जाता है फेडरेशन ऑनलाइन में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आपने एपिसोड 6 नहीं देखा, तो दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ मैं, एपिसोड 6 आप रॉयल रंबल का देख सकते हैं, और इसके बाद ही इस एपिसोड को देखें, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आज की शाम में मेन इवेंट रेसलमेनिया में कौन कौन से होने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, खचाखच ऑडियंस भरी हुई है, और थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे रायबैक आ गया है, और रायबैक और ट्रिपल एच दोनों, अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीतता है, तो वो फेडरेशन ऑनलाइन में उसका टिकट पक्का है, वो फेडरेशन ऑनलाइन में जाएगा, और हु नो, उसमें ही वो फेडरेशन ऑनलाइन के चैंपियन भी बन सकता है, मतलब कंटेंडर बन जाए उसके चैंपियन का। और यहाँ पे आ गया है रिपर एस यानी कि ट्रिपल एच, अपने मैनेजर जो उनकी उनकी वाइफ भी हैं, उनका नाम बोला मैं, स्टेफनी मैकमैन, यस स्टेफनी मैकमैन। और यहाँ पे शानदार तरीके से ऑडियंस का रिएक्शन यहाँ पे, और कुछ कहना चाहते हैं। आई एम एज आई एम श्योर यू हैड माई नाउ इस फैन मोनेको एंड एग्रीमेंट दिस माइट बी वेरी लास्ट मैच। तो रिपर एस यानी कि ट्रिपल एच ने पहले ही कह दिया है कि ये उनका लास्ट मैच हो सकता है WWE में, और वो सोच रहे हैं कि वो ये मैच जीत ही जाएंगे और फेडरेशन ऑनलाइन में चले जाएंगे, वो ये ऐसा बोल रहे हैं। तो अपने रिग्रेट्स को वो छोड़ना चाह रहे हैं। एनीवे आई एम नॉट हेयर येट, दस वन लास्ट किक, बोल रहे हैं कि अब बस मुझको इसको हराना है और मैं चला जाऊंगा फेडरेशन ऑनलाइन में। और रायबैक कुछ नहीं बोल रहे हैं, शायद वो बोलने पर नहीं करने पर भरोसा रखते हैं, क्या पता। तो
यहाँ पे मैच स्टार्ट होता हुआ और यहाँ पे ग्रैब किया आर एस वाइप दी और ट्रिपल एच काफ़ी फॉर्म में लग रहे हैं आज। और ये क्या मेलफंक्शन हुआ, ये तो मूव्स नहीं कर पाए, काफ़ी नर्वस लग रहे हैं मेरे हिसाब से तो ये। और आपको क्या लगता है दोस्तों, किसको जाना चाहिए फेडरेशन ऑनलाइन में, ट्रिपल एच या रायबैक? मेरे हिसाब से तो दोनों ही रेसर काफ़ी टफ हैं और दोनों ही अगर चले जाएँ तो मज़ा आएगा। यहाँ पे ट्रिपल एच ने अपना पहला मूव दिया और ये स्पाइन बस्टर देते हुए रायबैक काफ़ी लाचार से लग रहे हैं इस मोमेंट पे। और आयरिस वाइप दिया उनके पीछे आया और नी फर्स्ट, और फिर से आयरिस वाइप दिया, फिर से पीछे आया और अगेन नी फर्स्ट और रोप से बाहर कर दिया रायबैक को। एंड ड्रैग करेंगे क्या, ड्रैग करने की कोशिश, शानदार सुप्लेक्स दोस्तों यहाँ पे। वाह काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। आप भूले मत, अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, इन दोनों में से अगर कोई भी जीतेगा तो वो जाएगा फेडरेशन ऑनलाइन में जहाँ पे हैं एटीट्यूड एरा के रेसलर्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमको ऐसे और मैचेस करना चाहिए क्या जिसमें कि जो भी जीतेगा वो फेडरेशन ऑनलाइन में जाएगा, जैसे कि इस रेसलमेनिया में पहला मैच हो रहा है ऐसा। स्पाइन बस्टर दिया शानदार और लगता है ट्रिपल एच जाके ही मानेंगे। और यहाँ पे शानदार आर एस वाइप वेट कर रहे हैं और नहीं हो पाया मूव। और यहाँ पे फिर से आर एस वाइप एंड अगेन, ये क्या, वाओ पेडिग्री टाइम, पेडिग्री एंड पेडिग्री दी एक बार, क्या दूसरी बार दे पाएंगे, नहीं दे पाए। और यहाँ पे मूव करने की कोशिश लेकिन हार्ड बैक अब फॉर्म में लग रहे हैं मुझे, देखते हैं हार्ड बैक उनको कितनी टक्कर दे सकते हैं। और हार्ड बैक पीछे से आए और अब हार्ड बैक चढ़ गए हैं लगता है, थोड़ा बहुत हार्ड बैक फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड बैक रायबैक ए के वॉट एवर। और यहाँ पे शानदार सुप्लेक्स दिया क्लाइंब करते हुए कोने से, काफ़ी थक गए हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मूव परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रायबैक फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। यही है स्टैमिना रायबैक का जैसे कि आप देख रहे हैं। और रायबैक ने पिछली बार अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि उनको मिश्र 3 AM और विश्वास के साथ मैच करना है और वो चाहेंगे फेडरेशन ऑनलाइन का पार्ट होना। उसी समय इंटरव्यू में वहाँ पे ट्रिपल एच भी थे और उन्होंने टोका था कि नहीं फेडरेशन ऑनलाइन मुझे जाना चाहिए, और क्योंकि रायबैक एक एवरेज रेसलर है वो वहाँ पे मेन स्टोरी में फिट नहीं होंगे। और इसी तरीके से इन दोनों का लड़ाई हुई और दोनों का मैच तय हुआ कि जो भी जीतेगा वो फेडरेशन ऑनलाइन में जाएगा। और यहाँ पे शानदार फाइट बैक की रायबैक ने एंड ट्रिपल एच ने, सॉरी माफ करिएगा, एंड नी फर्स्ट दिया अगेन। और यहाँ पे पाइल ड्राइवर देते हुए और अब ग्रैब कर लिया है, पिन एंड सबमिशन देने की कोशिश करेंगे रायबैक को, लेकिन मुझे नहीं लगता रायबैक सबमिट होंगे, सबमिट करेंगे रायबैक, क्या पता कर भी सकते हैं, कर दिया, ओह माय गॉड रायबैक ने सबमिट कर दिया, वाओ डैम, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा। और यहाँ पे फिनिशर देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिपल एच एंड फिनिशर देने की कोशिश, ओह माय गॉड रायबैक ने ही फिनिशर दे दिया एंड में। लेकिन तो दोस्तों ये था पहला मैच आज की शाम का रेसलमेनिया का, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इस सेगमेंट में, ये जो सेगमेंट था इसका नाम था द लास्ट गुड बाय, क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी होता है वो उसका लास्ट मैच होता है, लास्ट में दोनों का होना तय था। लेकिन रायबैक रहेंगे ऑल अमेरिकन रेसलिंग AKA WWE में और ट्रिपल एच जीत चुके हैं, रायबैक ने सबमिट कर दिया था ट्रिपल एच के सामने और ट्रिपल एच जा रहे हैं फेडरेशन ऑनलाइन में। तो दोस्तों देखते हैं क्या होने वाला है। और अभी अभी खबर आ रही है कि ट्रिपल एच ने गाड़ी पकड़ ली है और वो रोड टू फेडरेशन ऑनलाइन के लिए रेडी हैं, वो फेडरेशन ऑनलाइन के ऑफिस में जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि रेसलमेनिया चल रही है और ट्रिपल एच जीत के फेडरेशन ऑनलाइन के रोस्टर में जा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज की शाम और आई होप आपको पहला मैच पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ और देखते हैं दूसरे मैच में आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस हैं।
तो दोस्तों दूसरा मैच जो है वो है रैंडी ओटन वर्सेस बिग शो के बीच में, और दोस्तों इन दोनों का भी काफ़ी अच्छा दुश्मनी है, इन दोनों की काफ़ी अच्छी राइवलरी है। दोस्तों इन दोनों ने क्या हुआ था, बैक स्टेज इन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया था कि क्योंकि ट्रिपल ए जा रहा है फेडरेशन ऑनलाइन में और जीत गया है, तो इसी चक्कर में जो रैंडी ओटन था वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसका दोस्त था ट्रिपल एच, एवोल्यूशन के दोनों रह चुके हैं इससे। लेकिन रायबैक को ये बात बुरी लगी और वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता है, वो सोच रहा है कि अब ट्रिपल एच के बाद जो सबसे बड़ा रेसलर है, ट्रिपल एच के जाने के बाद जो सबसे बड़ा रेसलर है जो WWE में, जो ऑल अमेरिकन रेसलिंग में रह गया है, वो है रैंडी ओटन। और फिर बिग शो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहेगा और इसलिए वो दोनों राइवलरी कर रहे हैं ताकि बिग शो को पॉपुलैरिटी मिले और बिग शो जीत जाए। तो दोस्तों ये मैच कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी रेसलर दूसरे रेसलर को रिंग के बाहर फेंक देगा वो हो जाएगा एलिमिनेशन में चला जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। यू आर नॉट लॉन्ग वे फ्रॉम होम रॉरी ऑसम, यू शुड बी गो बैक टू व्हेयर द हेल यू केम फ्रॉम। तो जैसे कि आपको पता है बिग शो बोल रहा है कि तुमको यहाँ पर हमारे यहाँ पर वेलकम नहीं है, तुम भी जो ट्रिपल एच के साथ फेस्ट फेडरेशन ऑनलाइन वो चला गया, तुम भी यहाँ से भाग जाओ, WWE सिर्फ मेरा है, या फिर ऑल अमेरिकन रेसलर जो कि WWE के नाम से जाना जाता है वो सिर्फ मेरा रेसलिंग ग्राउंड है और तुम यहाँ से चले आओ। और रैंडी ओटन बोला डेथ स्ट्रेंज बिकॉज आई विविड रिकॉल सिंगिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विथ फैनी मोनैको एंड नॉट यू। तो ये बोल रहा है फैनी मोनैको के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब वो ऐसे दूसरे शब्द में बोलूँ तो ये बोल रहा है तुम्हारे बाप का नहीं है ये ऑल अमेरिकन रेसलिंग, मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं यहीं पर रेसलिंग करूँगा। और दोनों के बीच में चल गया है मैच। और दोस्तों इस मैच में क्या होगा, इसका रूल्स बता दूं मैं आपको, ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, आप एक दूसरे को मार सकते हो, टेबल से स्मैश कर सकते हो। और यहाँ पे बिग शो ने अपना पहला मूव कर दिया है एंड पावर सुप्लेक्स है, पावर बॉम्ब क्या पता। तो दोस्तों यहाँ पर रैंडी ओटन काफ़ी लग रहे हैं डरे हुए से क्योंकि बिग शो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रैंडी ओटन ने मूव किया और दोनों की लड़ाई चल रही। तो दोस्तों यहाँ पर रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो भी रेसलर दूसरे रेसलर को रिंग के बाहर फ्लोर पे फेंकेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा रेसलर जीत जाएगा। तो जैसे कि अब देखते हैं दोस्तों कर सकते हैं नहीं कर सकते हम फ्लोर से थ्रो आउट, कोशिश करेंगे पूरा बिग शो की रैंडी ओटन या फिर रैंडी ओटन की बिग शो बाहर चले जाए रिंग के और एलिमिनेट हो जाए, और जो रिंग के बाहर जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और वो दूसरा रेसलर जो एलिमिनेट करेगा वो मैच जीत जाएगा। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे पावर स्लैम दिया, यहाँ पे स्टनर दे दिया है बिग शो ने, बिग शो काफ़ी बड़े है साइज़ में इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी उनको हैंडल करना पीछे से। और यहाँ पे रैंडी ओटन दर्शकों की तरफ देखते हुए यहाँ पे फिर से ग्रैब कर लिया है, यहाँ पे शानदार DDT देने की कोशिश की और सफल हुए। अगेन यहाँ पे RSI देने की कोशिश की लेकिन वो मुड़ के आए एंड अगेन यहाँ पे चढ़ गए हैं, यहाँ पे शानदार काउंटर, यहाँ पे अगेन काउंटर, वाओ। और यहाँ पे मेकअप करना स्टार्ट किया रैंडी ओटन ने एंड अगेन यहाँ पे पिन करने की कोशिश करी और काफी स्किलफुल है दोनों रेस्टर्स, लगता है बिग शो को चोट आ गई है। यहाँ पे गए भाग के आए एंड वाओ देन अगेन पिन करने की कोशिश करी, यहाँ पे चढ़े टेबल पे चले जाने की कोशिश करी और यहाँ पे स्पीयर दिया बिग शो ने, बिग शो हावी होते हुए रैंडी ओटन के ऊपर। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सही है, बिग शो या रैंडी ओटन? रैंडी ओटन सिर्फ खुश हो रहा था क्योंकि उसका जो दोस्त है ट्रिपल एच वो फेडरेशन ऑनलाइन में गया जीत के, और रायबैक कोई बात पसंद नहीं आया, वो चाहता है कि रैंडी ओटन भी भाग जाए यहाँ से ताकि उसी की वो कब्जा कर ले इस रोस्टर पे, लेकिन ऐसा रैंडी ओटन नहीं होने देगा। रैंडी ओटन बोल रहा है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ यहाँ पे, तो कौन है दादा आप कमेंट में लिखिए, रैंडी ओटन है दादा या बिग शो है दादा। और यहाँ पे फिर से चढ़ गया है एंड अगेन वहाँ पे थ्रो आउट कर सकते थे, काफ़ी अच्छा थ्रो कर सकते थे वो रिंग से बाहर, लेकिन असफल हुए हैं। अगर थोड़ा सा ही पास होते तो वो कर सकते थे। और दोस्तों एकदम एज पे खड़े हुए हैं रिंग के, यहाँ पे RSY दी, यहाँ पे पीछे आए और यहाँ पे फिर से RSY, वाओ। लड़ नहीं पा रहे हैं रैंडी ओटन बिग शो का साइज देखते हुए, काफ़ी बड़ा है बिग शो का साइज और इसलिए, और यहाँ पे बैक मूव बैक स्लैश देने की कोशिश करी, अगेन वही देने की कोशिश करेंगे मूव, लेकिन उन्होंने कर लिया है काउंटर। और अब यहाँ पे स्लो मूव का यानी कि बिग शो का स्टेमिना बढ़ता हुआ, रैंडी ओटन काफ़ी थके हुए हैं, उनका स्टेमिना और सब जवाब दे रहा है।
और काफ़ी टाइट पकड़ लिया है। क्या पिछली मैच की तरह सबमिट करेंगे रैंडी ओटन, जैसे रायबैक ने पिछले मैच में सबमिट करा था और ट्रिपल ए जीत गया था, क्या उसी तरीके से ये मैच भी होने वाला है जिसमें रैंडी ओटन सबमिट कर देंगे? नहीं, ये नहीं होने वाला। लेकिन बिक्शो के पास आ गया है खास मूव और बिक्शो ने कर दिया है अपना पंच और टेम यहाँ पे चॉक स्लैम दिया, यहाँ पे चॉक स्लैम दिया बिक्शो ने और अब यहाँ पे काफी मुश्किल हालात हो गए रैंडी ओटन के लिए, काफी थके हुए लग रहे हैं रैंडी ओटन। और देखते हैं कौन जाता है रिंग से बाहर और कौन जीता इस मैच को। एंड अगेन टेम रैंडी ओटन को कुछ चीज ही नहीं समझ रहे हैं, बिक्शो पछाड़ रहे हैं, अगेन चढ़े और ये अगेन बिक्शो, अगेन रैंडी ओटन, वाओ। और वाओ टेबल के ऊपर किया, टेबल के ऊपर चढ़ाया बिक्शो को, क्या बिक्शो वहां से छलांग मारेंगे, वहां पे छलांग मांगेंगे, वाओ बिक्शो गिविंग एन ऑसम परफॉर्मेंस इन दैट मैच। रैंडी ओटन काफी थक गए, उनका स्टैमिना काफी कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैमिना बार मूव करने को। एंड अगेन बिग शो काफी खतरनाक यहाँ पे अग्रेसिव और काफी अच्छा खेल रहे हैं बिग शो यहाँ पे। रैंडी ओटन काफी थके हुए हैं दोस्तों, अब ये लगता है बिग शो को जाना चाहिए फेडरेशन ऑनलाइन में और किसके साथ फाइट करना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बिग शो वर्सेस किसकी फाइट आप देखना चाहते हैं अगर बिग शो को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है फेडरेशन ऑनलाइन के तहत। हालांकि उनका मन नहीं लग रहा है उधर जाने का क्योंकि वहां पे काफी खतरनाक रेसर हैं और वो यहीं पे टाइम पास करना चाहते हैं रैंडी ओटन के साथ। और यहाँ पे रैंडी ओटन ने उठा लिया है और रैंडी ओटन के पास कुछ ज्यादा खास मूव्स नहीं, यहाँ पे मुझको ऐसा लग रहा है इफेक्टिव मूव्स नहीं है। एंड अगेन वाओ रैंडी ओटन का मूव उन्हीं के ऊपर चल दिया बिग शो ने और यहाँ पे वो काफी खतरनाक और यहाँ पे चढ़े बिग शो, चढ़े ऊपर रैंडी ओटन, वाओ नो, कुछ बड़ा मैच, कुछ बड़ा मोमेंट बन रहा है, कुछ बड़ा मोमेंट हो यहाँ पे, पावर बम दो, टेबल के नीचे आए दोनों। वहां पे रैंडी ओटन दोबारा बिग शो चढ़ रहे हैं और कुछ तो करने की कोशिश करेंगे, बिग शो किया पावर बम, टेम नीचे फेंक दिया और खुद भी नीचे आया, टेबल टूट गई। बिग शो काफी थके हुए लग रहे हैं, नो भागे, छूटे रैंडी ओटन की ग्रिप से, पकड़ लिया है, वापस गए रैंडी ओटन आने की कोशिश कर रहा है, बिग शो पीछे गए, पकड़ा, स्पीयर दिया बिग शो ने और अब बिग शो काफी खतरनाक तरीके से रैंडी ओटन को पंच पे पंच, रैंडी ओटन का खून निकल रहा है। देखिए दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं रैंडी ओटन का चेहरा पूरा लाल हो गया, ओह माय गॉड। कौन जीतेगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लग रहा है मैच, कौन सा वाला मैच आपको ज्यादा अच्छा लगा, रायबैक वर्सेस ट्रिपल एच और बिग शो वर्सेस रैंडी ओटन। रैंडी ओटन का चेहरा लाल हो गया है, उनको खून निकल रहा है बहुत ही ज्यादा और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रैंडी ओटन स्टैमिना खत्म हो गया है, बिग शो में से भी स्टैमिना खत्म, बिग शो वापस आए और वाओ सुपरमैन पंच दिया बिग शो ने, कैन यू बिलीव दैट सुपरमैन पंच, दैट्स अनबिलीवेबल। रेफरी ऊपर चढ़ा, रेफरी को चोट लग सकती थी और यहाँ पे टेबल के ऊपर टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं और रैंडी ओटन ऐसा नहीं होने देना चाहेंगे। बिग शो ने पकड़ा रैंडी ओटन को, यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिग शो ने छोड़ा रैंडी ओटन को और उनका ध्यान अभी टेबल पे है, लेकिन बिग शो ने फिर से पकड़ा और फिर से रैंडी ओटन, एंड अगेन बिग शो के पास आ गया उनका स्पेशल मूव, ओ माय गॉड, दोनों स्पेशल मूव सेंड करेंगे अब रैंडी ओटन क्या, और टाइम टेबल तोड़ दिया, चॉक स्लैम ऑन द टेबल गाइस, चॉक स्लैम ऑन द टेबल, ओ माय गॉड, क्या पता रैंडी ओटन का क्या होगा, हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाएगा रैंडी ओटन इस मैच के बाद। यहाँ पे एक और टेबल की फिराक में और शानदार और टेबल तोड़ दी है रैंडी ओटन ने भी, टेबल वर्सेस टेबल, समझ में नहीं आ रहा है ये नॉर्मल मैच है या टीएलसी,
लेकिन काफ़ी शानदार मैच चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पे अभी स्टेमिना काफ़ी कम रेंडी ऑर्टन का। नके वापस आए घूम के स्पीयर दिया लेकिन छूट गए हवा में ही। अब बिग शो भी थके हुए लग रहे हैं। अगेन स्पीयर दिया, स्पीयर पे स्पीयर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे छोड़ दिया है उधर टेबल के ऊपर से, टेबल सजाई उन्होंने दोबारा से। बिग शो भागे भागे रिंग की तरफ जा रहे हैं और दूसरी टेबल ला रहे हैं इस पहले कि रैंडी ऑर्टन उठ जाए। और दो टेबल लगा दिए दोस्तों उन्होंने, क्या पता क्या है बिग शो के मन में। और टेबल के ऊपर स्मैश किया अगेन बिग शो, काफी काफी एग्रेसिव आज रैंडी ऑर्टन को। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नर्क में आ गए हैं दोस्तों, उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब टेबल के ऊपर टेबल लगाए दोस्तों, बिग शो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रैंडी ऑर्टन ऐसा नहीं होना देना चाहेंगे, नहीं तो रैंडी ऑर्टन का एक तो फेस लाल, ऊपर से काफी ग्रेव इंजरीज। ओ माय गॉड, टेबल्स के ऊपर टेबल, टेबल्स के ऊपर टेबल, कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं लगता है बिग शो। और ऊपर से डाइव लगाई लेकिन चोट नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है मुझको। ग्रैब किया और रैंडी ऑर्टन फाइट बैक कर रहे हैं दोस्तों। मैच कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है अब। और वाओ वाओ अगेन बिग शो ने फेंका और अब कोने में रैंडी ऑर्टन असहाय। और दोबारा बिग शो फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन बिग शो ने फेंका। ओ माय गॉड, बिग शो काफी खतरनाक यहां पर। अब बिग शो भी थक गए हैं लेकिन फिर से उठे वो और रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और शायद फेंक भी दे वो। अब लगता है उनको लगता है कि अब इनफ हो गया है और रैंडी ऑर्टन ने अपना फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन जीतेंगे, इट्स इम्पॉसिबल ना। लेकिन फिर से यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन, टेबल्स के ऊपर जा रहे हैं, क्या पता क्या करने की सोच रहे हैं यहाँ पे। कुछ पकड़ लिया है रैंडी ऑर्टन ने बिग शो को। वाओ अगेन समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल मैच है दोस्तों। दोनों थक गए हैं रेसलर्स, कोई बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक, दूर दूर तक। और यहाँ पे काफी एज पे ले आए हैं बिग शो और वाओ टेबल पे फेंका, नाइस नाइस। वहां पे रैंडी ऑर्टन छलांग ना लगा दे कहीं, नो। बिग शो ऑन द टेबल गाइस, बिग शो टेबल में आ गए हैं, रैंडी ऑर्टन भी आने की कोशिश करेंगे। नो, टेबल से गिरा दिया है रैंडी ऑर्टन ने। नाइस स्ट्रेटजी, दैट्स अ प्रीटी गुड स्ट्रेटजी गाइस। पीछे से ग्रैब किया और अब ओ अगेन वाओ एक्स फैक्टर। दैट वाज प्रीटी इंप्रेसिव, काफी इंप्रेसिव एक्स फैक्टर था दोस्तों ये। अब बिग शो काफी थके हुए लग रहे हैं दोस्तों, बिग शो का वजन भी काफी ज्यादा है और इस वजन के साथ वो लड़ रहे हैं, ये काफी इंप्रेसिव बात है। यहाँ पे काफी दूर फेंका रिंग के बिग शो को, बिग शो ने रैंडी ऑर्टन को, माफ करिए। और यहाँ पे ग्रैब कर लिया है दोस्तों, जैसे कितना स्क्वीज कर दिया है खतरनाक तरीके से। सबमिट करवाएंगे नहीं, समझ में नहीं आ रहा, नहीं करवा पाए, छुड़ा लिया रैंडी ऑर्टन ने। फिर से किया और बिग शो एक ही एक सेम मूव क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है क्योंकि वो रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फुल टॉस देने की कोशिश करी और कामयाब हुए, काफी अच्छा नहीं था लेकिन ये फिर भी। और यहाँ पे अगेन फुल टॉस और अब शायद फुल टॉस के दम पे ये लोग बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे और एक और फुल टॉस। वाओ, और यहाँ पे गले मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे अगेन पकड़ा और अब वाओ समय में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहा है बिग शो। अनप्रेडिक्टेबल मूव्स एंड वाओ बाहर फेंक दिया दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑन द एज, ऑलमोस्ट ऑन द एज गाइस। नो,
एंड फिर से बाहर फेंका, लेकिन अंदर ही रहे रिंग में। दोस्तों काफी लंबा हो गया ये मैच, दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये मैच, आपको कैसा लगा, रायबैक का ज्यादा अच्छा लगा या रायबैक वर्सेस ट्रिपल एच, या फिर आपको रैंडी ओटन वर्सेस बिग शो, कौन सा मैच आपको ज्यादा मजा आया? और कोशिश कर रहे हैं, आप काफी डेस्परेट हो गए, वाह बाहर फेंक दिया एंड बिग शो विंस गाइस। इस तरीके से बिग शो जीत गए इस मैच को एंड बिग शो गॉट द चैंपियन। अब बिग शो बता सकते हैं कि कौन है यहाँ पे चैंपियन। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा इस शाम का दूसरा मैच बिग शो के नाम हो गया है दोस्तों। पहला मैच था ट्रिपल एच वर्सेस रायबैक के बीच, दोनों में से जो भी रेसलर जीता वो जाता फेडरेशन ऑनलाइन में। ट्रिपल एच जीत गया और वो जा रहे हैं फेडरेशन ऑनलाइन में। और इसी तरीके से बिग शो और रैंडी ओटन के बीच में मैच हुआ और बिग शो बस ये बताना चाहता था कि अब यहाँ पर ट्रिपल एच जानने के बाद असली बॉस कौन है। और रैंडी ओटन को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे थे कि ट्रिपल एच दूसरे रोस्टर में चले गए हैं, और वो थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, थोड़ा अच्छा लग रहा था उनको क्योंकि उनके फ्रेंड है ट्रिपल एच के। और बिग शो को बात अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि मैं जल्दी से बॉस बन जाता हूँ इस कंपनी का, जिससे पहले कि रैंडी ओटन अपनी दावेदारी ठोके। और रैंडी ओटन और बिग शो की बीच इसी बात के ऊपर लड़ाई हुई इन दोनों में और जीत गए हैं बिग शो। तो दोस्तों दूसरा मैच था ये शाम का, दोस्तों देखते हैं दोस्तों तीसरा मैच कौन सा होने वाला है। दोस्तों अगर आपको रेसलमेनिया का एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा होने वाला है थर्ड मैच इस रेसलमेनिया का। तो दोस्तों अब टाइम है इस शाम के तीसरे मैच का, इस सेगमेंट के तीसरे मैच का। और ये मैच कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस मैच में जो WR3D जो रेसलिंग एवोल्यूशन 3D का जो यूनिवर्स है, जो जितने भी लोग हैं, जितने फैंस हैं जो देखते हैं इस WR3D के यूनिवर्स में, जो इस यूनिवर्स में रहते हैं, उन लोगों ने एक वोट किया था। और उस वोट के दौरान मतलब एक मैच चूज करना था उन लोगों को, और उन लोगों ने देखते हैं दोस्तों किस मैच को देखना चाहते हैं वो, किस मैच के लिए उन लोगों ने वोट किया है। तो जो वोट वो लोग करेंगे, जिस मैच के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट किया होगा, वही मैच इस तीसरे सेगमेंट में, इस तीसरे मैच में होने वाला है वो मैच। तो दोस्तों देखते हैं कि WR3D का जो यूनिवर्स है, रेसलमेनिया 3D के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उन लोगों ने किस तरीके का मैच सेट किया है रेसलमेनिया के तीसरे मैच। तो दोस्तों ये कौन सा टैग टीम चैंपियनशिप होने वाली है ये नहीं पता कि कौन सा मैच सिलेक्ट किया है, क्या चाहती है WR3D के फैंस और उन लोगों ने किस तरीके का मैच सिलेक्ट किया है। और काफ़ी मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक भी मैच होगा जो सिलेक्ट किया होगा। और काफ़ी ऑडियंस है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं फर्नीचर इज एवरीवेयर। और ओ माय गॉड, द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ओ माय गॉड। तो ये क्या कोई टैग टीम चैंपियनशिप होने वाली है क्या यहाँ पे? डैम दोस्तों, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। Blockbuster, aka The Rock versus Stone Cold. अब अगला कौन है? No way! Wow! Brock Lesnar और साथ में उनके Goldberg. Wow! That's a dream match. That's a dream match, guys. आप क्या चाहते थे? क्या तीसरा मैच WR3D के जो फैंस ने सही डिसाइड किया है या नहीं? कुछ कहना चाहते हैं शायद? All week we've been asked fans which match they would like to see and they voted for. तो यही बोल रहा है रेफरी के, फैंस से हमने पूछा कि वो कौन सा मैच देखना चाहते हैं और उन्होंने वोट किया Brock Lesnar versus Blockbuster in a tag team match. Oh my God, काफी खतरनाक है यार ये WR3D के फैंस, बहुत खतरनाक हैं। Which completely enough that the exact situation we were prepared for. Damn. In case you've never seen a match like this before, no, we never seen a match like this before. We're clear about the rules. The first team to pin their opponents for the count for three will win. False count anywhere, there's no disqualification. So there are no disqualifications. Haha, those rules suit me perfectly. So it seems those fans want to see a suffer Brock Lesnar. So the Rock कह रहा है कि Brock Lesnar को fans suffer देखना चाहते हैं। The Rock People Champion है और वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग खुश हो। और यहाँ पे दोस्तों एक ड्रीम मैच WR3D के जो फैंस ने जो चूज किया है वो है ड्रीम मैच दोस्तों। Here we go, Brock Lesnar versus Goldberg and
Stone Cold Steve Austin versus The Rock in the same team, and it's going to be a tag team championship. No, not the tag team championship, but just a WrestleMania match for now. But damn, that's something that we never looking for. और यहाँ पे मैं स्टार्ट होता हुआ ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक. द रॉक ने पकड़ लिया है ब्रॉक लेसनर को, सुप्लेक्स दिया, होल्ड किया एयर में. वाव, अमेजिंग, इम्प्रेसिव दोस्तों. रेसलमेनिया और खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, ये वापस आए, क्लोज लाइन दी ब्रॉक लेसनर ने द रॉक को, और दोनों इस चारों रेसलर इस टैग टीम मैच में, जो भी चारों रेसलर हैं, ब्रॉक लेसनर, द रॉक, Stone Cold Steve Austin and Goldberg, yes, Goldberg. So चारो legendary wrestlers हैं, Stone Cold Steve Austin, Brock Lesnar, The Rock and Goldberg. इन चारों के बीच में हो रही है fight. और ये tag team championship है दोस्तों. आपको क्या लगता है, क्या ये आपका ड्रीम मैच था? आपको थर्ड मैच पसंद आया? आपको रेसलमेनिया का कौन सा इवेंट अच्छा लगा दोस्तों? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. आज संडे है प्रॉबेबली, अगर ये वीडियो संडे को पब्लिश किया है मैंने तो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये संडे काफ़ी अच्छा निकल रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है रेसलमेनिया के मैच की, रेसलमेनिया का वीडियो बनाने की. और ये है सर्वाइवर एरा का 8वां एपिसोड रेसलमेनिया, और जहाँ पे लेजेंड्स फाइट कर रहे हैं अभी. और ये वाओ पकड़ने की कोशिश की ग्रैब, लेकिन नहीं कर पाए. द रॉक काफ़ी स्लिपरी और मुश्किल है उनको काफ़ी पकड़ना, काफ़ी लचीले हैं, एथलेटिक्स. अगर आपने द रॉक को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो तो आप देखते हो काफ़ी जिमिंग करते हैं. और ये वापस आए एमजे, वाओ, यहाँ पे काउंटर अटैक दिया, अगेन काउंटर लगातार. ब्रॉक लेसनर जिस काम के लिए जाने जाते हैं, सबमिट करवा देते हैं ब्रॉक लेसनर किसी भी रेसलर को. काफ़ी पावरफुल हैं, और उनका एक गेम भी आया था 2003 में, और हियर कम द पेन एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक. जैसे कि आप देख सकते हैं, इन दोनों की दुश्मनी एटीट्यूड एरा से आ रही है. और ये यहाँ पे ग्रैब किया और अगेन स्पीयर दिया. काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, अगेन ग्रैब किया और उछाल दिया है. और यहाँ पे स्पेशल मूव आ गया है दोस्तों ब्रॉक लेसनर का, ब्रॉक लेसनर का स्पेशल मूव, आयरिस वाइप देते हुए यहाँ पे, और टकरा गए हैं रेफरी से. और द रॉक सुप्लेक्स, और यहाँ पे ग्रैब किया, एसटीएफ दिया, लेकिन सैडली उनका चला गया फिनिशर. यहाँ से पीछे आए और क्लोज लाइन रहने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने पीछे से काउंटर किया. द रॉक काउंटर करने की कोशिश, अगेन स्पीयर, और अब तरह ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ते हुए छलांग मारी और यहां पे नो काउंटर नहीं कर पाए. और यहां गए और ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ओ माय गॉड, आयरिश वाइप, अगेन स्पीयर, उनको ही धक्का दे दिया. ब्रॉक लेसनर काफ़ी रूड रेसलर के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी हील है वो और रूड है काफ़ी. तो देखते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा फाइट करने का. और अंडरटेकर बोलते हैं, द रॉक लगातार पिटते हुए यहाँ पे ब्रॉक लेसनर से. और वहाँ पे रिंग के बाहर गोल्डबर्ग वर्सेस स्टोन कोल्ड की फाइट, ओ माय गॉड, ये कौन है, बिग रेड मशीन, कौन है ये बिग रेड मशीन, ये बिग रेड मशीन कौन है भाई? ही सीम्स लाइक अ न्यू रेसलर टू मी, छोटा है बिग रेड मशीन. ओ द रॉक को मारा यहां पे, द रॉक के ऊपर अटैक किया, तो बिग रेड मशीन हमारे साथ है क्या? और ये घुमा दिया, और बिग रेड मशीन अब यहां पे आ गया है, कोई नया रेसलर लगता है मुझको. और क्या पता मैच को इंटरप्ट क्यों कर रहा है यहां पे, और ये टैग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. और बिग रेड मशीन का स्पेशल मूव आया और टैग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, टैग नहीं हो रहा है यहां पे. अबे टैग करना, टैग ही नहीं हो रहा है यहां पे दोस्तों. और यहां पे आयरिश स्वाइप दिया अगेन,
और काफी मुश्किल में द रॉक बिग रेड मशीन आया और द रॉक कोई मार रहा है बिग रेड मशीन, शायद कोई दोस्त है ब्रॉक लेसनर का। दोस्तों आप क्या समझते हैं कौन है बिग रेड मशीन यहाँ पे लगातार मार रहे हैं बिट्टू? ओ माय गॉड, विश्वास, बिट्टू इज रिटर्न गाइस, बिट्टू वापस आ चुका है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। वाओ, बिट्टू वापस आ गया है दोस्तों, आई कैन नॉट बिलीव दिस। और दोस्तों बिट्टू किसको पकड़ेगा जाके, और यहाँ पे बिट्टू ऊपर चढ़ा, नो, और बिट्टू को चोट लग गई है दोस्तों। बिट्टू वापस क्यों आया, बिट्टू रेस्लर, दोस्तों बिट्टू जो रेस्लर है वो एटीट्यूड एरा का रेस्लर है और वो सर्वाइवर एरा में आज वापस आ गया, ये काफी शॉकिंग था दोस्तों, काफी ज्यादा खतरनाक। यहाँ पे गोल्डबर्ग को पकड़ा बिट्टू ने, और यहाँ पे स्टोन कोल्ड को ही मारा, क्या चाहता है भाई बिट्टू। वाओ, इट्स शॉकिंग। और यहाँ पे बिग रेड मशीन को मारा और आ गया इसका फिनिशर, फिनिशर दिया एंड डैम, वाओ, बिट्टू इज रिटर्न गाइस एंड अगेन फिनिशर ऑन द बैरिकेड, वाओ। तो दोस्तों बिट्टू यहाँ पे सिर्फ रोकने के लिए आया था बिग रेड मशीन को, और यहाँ पे जैसे कि आप देखते देख सकते हैं दोस्तों, बिट्टू इज रिटर्न, बिट्टू विश्वास का बड़ा भाई अगर आपको नहीं पता तो, और वो एक एटीट्यूड एरा का रेसलर है और वो आ गया है वापस बिग रेड मशीन को रोकने के लिए, और रेफरी बन के आया है, शायद सर रेफरी रहेगा वो। और वाओ, काफी इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे दोस्तों चल रहा है, और बिग रेड मशीन को दरकिनार करते हुए और रेफरी को पकड़ा बिट्टू ने, और रेफरी ने बिट्टू को ही घुमा दिया। वाओ, नो, टू 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 काउंट ऑफ। वाओ, इनक्रेडिबल। और यहां पे बिट्टू पकड़ा, और ये बिट्टू ने रेसर को पकड़ा, रेफरी को पकड़ा, और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्डबर्ग इंटरफेयर कर रहे हैं। वाओ, ब्रॉक लेसनर ने सबमिट करवा दिया है द रॉक को, लेकिन ये कोई सबमिशन मैच नहीं है, और अगेन बेली टू बेली सुप्लेक्स दिया, और अब यहाँ पे काउंट आउट करवाने की कोशिश लेकिन नहीं हुए दोस्तों, बिट्टू वापस आ गया, सबसे बड़ी बात लगती है मुझको ये आज के मैच में, बिग रेड मशीन को रोकने के लिए बिट्टू वापस आया है दोस्तों एटीट्यूड एरा से, और वो रेफरी बन के आया, शायद रिस्टोर ऑर्डर्स करेगा, और ये हाँ दोस्तों बिट्टू है रेसलर, रेसलर वापस आ गया बिट्टू। वाओ, इतना अच्छा खेल रहा था ब्रॉक लेसनर, लेकिन जीत गया है द रॉक। ओ माय गॉड, दैट वाज दिस मैच, That was the mess. That was the kind of match I've been waiting for years. तो दोस्तों जैसे कि आपने तीसरा मैच देखा जिसमें काफ़ी कुछ हुआ दोस्तों, ये मैच था जो WCD के फैंस हैं उनके लिए, उन लोगों ने इस मैच को चुना था, उन लोगों ने इस मैच का वोट दिया था, और इस मैच के अंतर्गत Brock Lesnar Goldberg versus ब्लॉकबस्टर यानी कि द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, इनकी लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये टैग टीम मैच था, और इसमें एक रेसलर था, अजीब सा रेसलर था जिसका नाम था बिग रेड मशीन, जो कि कोई बिग रेड मशीन जो इतना बिग नहीं था, वो सिर्फ 5 फुट का था जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा, और वो मैच को इंटरफेयर करने के लिए आया था, वो द रॉक को मार रहा था और ब्रॉक लेसनर का साथ दे रहा था दोस्तों। और फिर कुछ ही देर बाद दोस्तों सबसे शॉकिंग काम हुआ, सबसे शॉकिंग जो चीज़ हुई वो थी इस मैच की, और इस नाइट की मैं कहूँगा जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी वो थी एटीट्यूड एरा का जो रेसलर है बिट्टू, वो वापस आ गया दोस्तों। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों? यहाँ पहले मैच में ट्रिपल एच जीता, और ट्रिपल एच आ रहा है वापस फेडरेशन ऑनलाइन में ऑल अमेरिकन रेसलर से, वही बिट्टू दोस्तों
एटीट्यूड एरा से वापस आ गया है। विश्वास का बड़ा भाई बिट्टू एटीट्यूड एरा से वापस आ गया दोस्तों। दैट्स अमेजिंग, दैट्स आई मीन इट्स रिडिकुलस दोस्तों टू सी दिस, टू थिंक अबाउट दिस कि वापस आ गया बिट्टू एटीट्यूड एरा से। दैट्स अ शॉकिंग न्यूज। तो दोस्तों देखते हैं आज का फोर्थ मैच और जो कि मेन इवेंट है वो कैसा रहने वाला है दोस्तों। और मेन इवेंट में दोस्तों जो आपको पता ही है चैंपियनशिप होती है, और देखते हैं दोस्तों कि चैंपियनशिप किस किस के बीच होने वाली है और कैसी होने वाली है। चैंपियनशिप है तो विश्वास रहेगा ही। तो ये है फोर्थ मैच मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा मैच है। ओ माई गॉड, यह है जाइंट रिंग ट्रिपल थ्रेट मैच। तो दोस्तों देखते हैं विश्वास के साथ और दो कौन से रेसलर हैं जो कि आने वाले हैं इस मैच में फाइट करने वाले हैं। दैट्स नॉट फेयर गाइस, विश्वास को अपना टाइटल रिंगेन करना पड़ रहा है। डैम, द फर्स्ट रेसलर इज मिस्टर 3M, ओ माय गॉड। तो पहला रेसलर जो है वो मिस्टर 3M है दोस्तों, ये दैट्स फॉर श्योर, दैट्स कंफर्म हो चुका है। हु इज द सेकंड रेसलर? ओ माय गॉड गाइस, कहीं मुझको चक्कर ना आ जाए। वेदांत इज द सेकंड रेसलर, सेकेंड रेसलर वेदांत है दोस्तों। और अब विश्वास आने वाला है अपने टाइटल को रिगेन करने के लिए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों विश्वास है फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियन, और वो आज अपना टाइटल डिफेंड करेगा। उसके हाथ में है माइक्रोफोन और चेहरे पे काफी गुस्सा है, खुश नहीं लग रहा है विश्वास आज, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रिपल थ्रेट मैच है यहाँ पे और विश्वास को ये मेन इवेंट है। लेकिन देखते क्या कहता है विश्वास। आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डिफेंड माई टाइटल अगेंस्ट टू अदर ओपोनेंट्स एंड That's just not fair. Yeah, of course. लेकिन ये है दोस्तों WrestleMania का मेन इवेंट, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। विश्वास है पॉपुलर और यहाँ पे उसको टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा। The only logical expectation is that there's some kind of controversy. But I didn't become champion in the first place by breaking down by the challenge. This is absence of overcome. All right. और यहाँ पे हो रही है मैच दोस्तों, ट्रिपल थ्रेट मैच है यहाँ पे विश्वास वेदांत एंड मिस्टर 3M के बीच। और जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों मिस्टर 3M जुट गए हैं वेदांत को मारने के लिए, और यहाँ पे विश्वास दूरी हट गए हैं अभी तो। और यहाँ पे वेदांत ने विश्वास ने पकड़ा वेदांत को, और यहाँ पे पीछे आए उनके RSY दिया और उठा लिया उनको। तीन काफी खतरनाक रेसलर। और दोस्तों वेदांत, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि वेदांत का फाइट करवाओ, वेदांत का फाइट करवाओ, बुकिंग एरा में आप बुकिंग करियर मोड में आप बोल रहे थे वेदांत का फाइट करवाओ। तो दोस्तों वेदांत वापस आ गए हैं एटीट्यूड एरा से वापस, और बिट्टू और वेदांत ये दोनों रेसलर एटीट्यूड एरा के हैं, वापस आ चुके हैं। यहाँ पे रिंग के बाहर दोनों रेसलर को फेंका विश्वास ने, एब्सोल्युटली अमेजिंग पावर है। यहाँ पे जर्मन सुप्लेक्स दिया विश्वास ने, ओ माय गॉड। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आज का मेरे इवेंट? और अगेन रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश करी मिस्टर 3M को, और अब वेदांत को DDT दिया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और अब मिस्टर 3M को DDT दिया, डैम। काफी शानदार लड़ाई यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नी फर्स्ट वेदांत को, और यहाँ पे नी फर्स्ट मिस्टर 3M को, एंड टाइम टू स्लीप गाइस। ये है विश्वास की पावर, दैट्स द पावर ऑफ विश्वास गाइस। एंड अगेन यहाँ पे F5, ओ माय गॉड। यहाँ पे वेदांत उछकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे सुप्लेक्स देने की कोशिश करी, होल्ड इन द एयर, यहाँ पे सुप्लेक्स दिया दोस्तों वेदांत को, और यहाँ पे मिस्टर 3M उठे और यहाँ पे DDT देने की कोशिश करी, लेकिन मिस्टर 3M ने काउंटर करने की कोशिश करी, दोबारा काउंटर किया, वापस आए। एंड अगेन यहाँ पे सुप्लेक्स ऑन द मिस्टर 3M, वापस उठे। यहाँ पे वेदांत चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे विश्वास की पावर का, क्योंकि वो मार रहे थे और वो काउंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वास ने जवाब दिया DDT के साथ। और यहाँ पे मिस्टर 3M बोलना था, मुझको माफ करना, कभी कभी मेल फंक्शन हो जाता है सर। तो यहाँ पे विश्वास उठे, क्लोज लाइन दिया, यहाँ पे RSY दिया, वापस आए, रिटर्न किया रेड रॉक। अभी तो मिस्टर ये बेड्रैग मशीन और रेड रॉक कौन है भाई, ये कौन रेसलर है भाई ये? और अब मिस्टर 3M क्या पता कौन का ध्यान बंद करने के लिए आया, ये रेड रॉक। और यहाँ पे अमेजिंग सिजलर दिया यहाँ पे दोस्तों, और वेदांत हवा में उठ के वेदांत ने रेड रॉक यहाँ पे आया दोस्तों। ये रेड रॉक को पहले मैं बाहर भगाऊंगा, क्योंकि मुझको ही मारने के लिए आया, ये रेड रॉक भी छोटा सा है। और यहाँ पे मैंने इसको दिया पेडिग्री, और यहाँ पे अगेन पेडिग्री देने की कोशिश करी, और यहाँ पे वेदांत ने मुझको ग्रैब कर लिया दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी मजेदार मैच यहाँ पे, बिग रेड मशीन पहले मैच में आया था, दूसरे मैच में आया है रेड रॉक। कौन है दोस्तों ये, कोई टैग टीम चैंपियन है क्या? और यहाँ पे दोस्तों ग्रैब कर लिया है विश्वास ने वेदांत के पैर को, और यहाँ पे नी फर्स्ट देने की कोशिश, लेकिन मिस्टर 3M काफी चालाक रिंग से बाहर भागते हुए,
और विश्वास काफी एनर्जेटिक। और यहाँ पे वेदा ने पकड़ लिया है, यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश, सबमिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर 3MCL लेके आ गए हैं। ओह माय गॉड, शाओमी द मम्मी, वाओ, व्हाट्स ही डूइंग हियर। तो दोस्तों यहाँ पे मैच काफी खतरनाक तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट ले रहा है। यहाँ पे मिस्टर 3M का साथ देने के लिए आए हैं शाओमी द मम्मी, क्योंकि दोनों भाई है ना एक दूसरे के। मिस्टर 3M और शाओमी द मम्मी दोनों भाई हैं एक दूसरे के, जैसे कि विश्वास और बिट्टू। विश्वास जैसे कि वापस आया है, वैसे ही मिस्टर 3M का साथ देने के लिए शाओमी द मम्मी वापस आया और यहाँ पे मार रहे हैं। रेड रॉक भी साथ में अंदर घुस रहे हैं और रेड रॉक को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, और रेड रॉक को पीछे आने की कोशिश करी लेकिन असफल हुए क्योंकि एड्रॉक पहले हट चुके थे। वहां पे शानदार फाइट चल रही है मिस्टर 3M और वेदांत की। मैच खतरा खच भर चुका है पूरा रिंग और मैच काफी इंटरेस्टिंग पूरा मैसअप हो गया है। यहाँ पे दोस्तों विश्वास दौड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर दौड़ रहे हैं। वेदांत को मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे शाओमी द मम्मी ऊपर चढ़ रही है और यहाँ पे खतरनाक, वाह, टेबल टॉप परफॉर्मेंस, डैम, काफी खतरनाक तरीके से हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे टेबल रख दिया है कि ऊपर एक, और क्या पता क्या करना चाह रहा है विश्वास। वहां पे मिस्टर 3M और वेदांत की लड़ाई और विश्वास को स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करेंगे की बार में। और यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करी और यहाँ पे विश्वास ने इंटरप्ट किया क्योंकि विश्वास वांट टू डिफेंड दिस चैंपियनशिप। विश्वास ट्रेडिशनल ऑनलाइन की किंग रहना चाहते हैं और यहाँ पे काफी मैसअप हो गया दोस्तों। बिग रेड मशीन को क्लोज लाइन दी, माफ करिए रेड रॉक को। दोनों ही जैसे हैं, शायद दोनों भाई हैं, जैसे कि बिट्टू विश्वास, मिस्टर 3M शाओमी द मम्मी, वैसे रेड रॉक और बिग रेड मशीन दोनों भाई हैं, ट्रेडिशनल ऑनलाइन में नए हैं और मैच को इंटरप्ट करके और अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं, अटेंशन सीकर लगते हैं काफी। और यहाँ पे टेबल तोड़ने की कोशिश करी और यहाँ पे विश्वास का मूव आया और वेदांत काफी स्मार्टली तरीके से प्ले करते हुए यहाँ पे, लेकिन विश्वास नहीं होने देंगे। और यहाँ पे F5 दिया एंड F5 ऑन द टेबल, गाइस, टेबल तोड़ दियो, माय गॉड, और काफी चोट लगेगी। और यहाँ पे तीनों लड़के गिर गए, डैम, वाओ। और यहाँ पे अगेन वेदांत को ग्रैब किया और यहाँ पे उठाया, F5 देने की कोशिश की एंड अगेन F5 दिया, F5 अगेन, ओ माय गॉड, मिस्टर 3M के आने से पहले ही टैप आउट करने की कोशिश। 1, 2, 3 एंड विश्वास इज स्टिल द फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियन। तो विश्वास ने अपना फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियन डिफेंड कर लिया दोस्तों। और यहाँ पे शामिल हुआ मेरे लात मारने की कोशिश की लेकिन विश्वास नहीं फंस देंगे उनको एंड विश्वास इज स्टिल द विनर, गाइस, विश्वास डिफेंड द चैंपियनशिप। सो दोस्तों ये थे आज के मैच, ये थी आज की रेसलमेनिया दोस्तों। पहला मैच था ट्रिपल एच वर्सेस रायबैक के बीच में, उन दोनों के बीच में मैच था। उन दोनों के बीच में कोई भी जीतता तो वो फेडरेशन ऑनलाइन में वापस आ सकता था और दोस्तों ट्रिपल एच जीता इस मैच को और वो आ रहा है फेडरेशन ऑनलाइन में, प्रॉबेबली अगले एपिसोड में आपको दिख सकता है। और दोस्तों दूसरा मैच ही हमारा काफी औसम हुआ था। तीसरा जो सेगमेंट था, तीसरा जो मैच था वो था टैग टीम मैच, और उसमें दोस्तों जो जनता, जो WCW फैंस, उन्होंने वोट किया था कि वो कौन सा मैच देखना चाहते हैं रेसलमेनिया में। और उन लोगों ने वोट किया ब्रॉक लेसलर वर्सेस द रॉक, और ब्रॉक लेसलर के साथ होगा गोल्डबर्ग और द रॉक के साथ होगा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और ये मैच होने वाला था दोस्तों, ये मैच हुआ, काफी शानदार मैच हुआ दोस्तों ये। लेकिन बीच में बिग रेड मशीन नाम की एक नए रेसलर ने इंटरफेयर किया और क्या चाहता था, उसके मोटिव्स क्या थे ये तो अननोन है, लेकिन वो ब्रॉक लेसलर का साथ दे रहा था दोस्तों। लेकिन इस बेईमानी को रोकने के लिए एटीट्यूड एरा का रेसलर बिट्टू वापस आया दोस्तों। कैन यू बिलीव दैट, बिट्टू वापस आया और उसने इसको मतलब होने से रोका, और वो रेफरी था दोस्तों तो उसने, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं चल पाई और द रॉक जीत गया दोस्तों। लेकिन बिट्टू, ये गुड न्यूज़ है दोस्तों कि बिट्टू एटीट्यूड एरा का रेसलर वापस आ गया है। और दोस्तों ये कौन मिस्टीरियस रेसलर है जिसका नाम है बिग रेड मशीन, ये हम बाद में फिगर आउट करेंगे शायद आगे के एपिसोड में दोस्तों। ये मैच हुआ था हमारा तीसरा, चौथा मैच था दोस्तों विश्वास वेदांत और मिस्टर 3M के बीच में। और दोस्तों इन तीनों के मैच में था ट्रिपल थ्रेट फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियनशिप मैच, और दोस्तों फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियनशिप मैच था ये, तो विश्वास ने अपनी चैंपियनशिप जो बेल्ट थी वो डिफेंड कर ली इन दोनों के बीच क्योंकि विश्वास जीत गया इस मैच को। लेकिन इस मैच के बीच में भी एक रेड रॉक नाम की वियर्ड रेसलर ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी और वो लग रहा था मिस्टर 3M को मारने वाला था, इसलिए उसका भाई था जो मिस्टर 3M का शामिल हुआ वो डिफेंड करने के लिए वापस आया था। तो दोस्तों वेदांत और बिट्टू, ये दोनों एटीट्यूड एरा के रेसलर है, वो रेसलमेनिया में वापस आ गए
गए हैं। दोस्तों आपको ये न्यूज सुनकर कैसा लगा, और दोस्तों आपको कौन सा मैच ज्यादा अच्छा लगा, पहला मैच अच्छा लगा, दूसरा मैच अच्छा लगा, तीसरा या चौथा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और विश्वास ने चैंपियनशिप रिगेन कर ली है, विश्वास स्टिल फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियनशिप, विश्वास स्टिल फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियन, माफ करना, और वेदांत और बिट्टू वापस आ गए हैं। तो दोस्तों समरी ऑफ दिस रेसलमेनिया इज विश्वास स्टिल इस फेडरेशन ऑनलाइन चैंपियन, और बिट्टू और वेदांत ये दोनों वापस आ गए हैं दोस्तों एटीट्यूड एरा से सर्वाइवर एरा में, और आगे के एपिसोड में शायद आप इन लोगों को देख सकते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। टिल देन बी ब्लेजिंग डू ब्लेजिंग एंड दैट वाज माय स्लोगन गाइस। ऑलराइट।